फैमिली स्वागत है आपके को नई फीड में। तो भाई क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करने वाले हैं। भैया बहुत दिन बाद आपसे बातचीत करने का मौका मिला है, सो भैया ये मौका मैं छोड़ूंगा नहीं। सारी मार्केट में जो भी चल रहा है ना मेरे भाई, सब कुछ मैं आपके सामने रख दूंगा। आप फिर बाद में जज करना कि बिटकॉइन सही है गलत है, मार्केट सही है गलत है। बेसिकली मुद्दा हमारा आज का ये है कि मार्केट क्या बुलिश है क्या बियरिश है, और मार्केट की जितनी भी बड़ी बड़ी अपडेट है ना, ठीक है, वो मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ जितनी भी आई हैं। बाकी आप खुद जज कर लेना, आप काफी समझदार हो, ठीक है। और एक और चीज, अच्छा ऑल्टकॉइंस के बारे में काफी मेरे भाई पूछ रहे हैं कि भैया ऑल्टकॉइंस में हो क्या रहा है। ऑल्टकॉइंस की बात करेंगे, है ना, रुक जाओ आप, जरा पूरी वीडियो देखना। वीडियो पसंद आए एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाना, क्योंकि आप लोग जुड़ोगे तो मोटिवेशन मिलती है और हमारी फैमिली ऐसे ही बड़ी होती जाती है, ठीक है। आज की सबसे बड़ी अपडेट क्या है भाई, आज की सबसे बड़ी अपडेट है क्यूकॉइन की तरफ से, ठीक है। तो क्यूकॉइन एक एक्सचेंज है, एक सेकंड रुको मैं आपके सामने स्लाइडिंग लगा देता हूं ताकि आप लोग, पता भी तो लगता रहना चाहिए ना कि भैया जो न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूं वो आपकी सही है गलत है, ठीक है। तो पहली अपडेट आपकी क्यूकॉइन की तरफ से है। तो क्यूकॉइन की अपडेट ये है कि KYC क्यूकॉइन के ऊपर ज़रूरी नहीं थी, कंपल्सरी नहीं थी, लेकिन अब KYC करवानी अब भैया कंपल्सरी हो जाएगी क्यूकॉइन के ऊपर। अब झटका लगा मेरे भाई ये सुन के, क्योंकि हम क्रिप्टो वाले जो थे वो काफ़ी चौड़ में रहते थे कि भैया अगर नॉन KYC एक्सचेंज चाहिए तो क्यूकॉइन पर आ जाओ, क्या दिक्कत है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ते। लेकिन आज से ये नहीं होगा, अब आपको KYC करवानी पड़ेगी। और ये कब से हो जाएगा मेरे भाई, 15 जुलाई 2023, कुछ दिन बचे हैं, तो KYC के लिए भैया रेडी हो जाओ, करवा लेंगे। कि भैया KYC कोई चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, करवा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। दूसरी अपडेट क्या है मेरे भाई, मार्केट में ऑल्टकॉइन आपके क्रैश तो छोड़ो, ये बिटकॉइन हल्का हल्का नीचे क्यों आ रहा है, थोड़ी सी बात करें इसके बारे में, चलो ठीक है। देखो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, दो दो टाइप के वॉलेट हैं, ठीक है। एक वॉलेट वो है, एक कैटेगरी वॉलेट्स के वो हैं जिनके अंदर 10,000 से कम बिटकॉइन पड़े हुए हैं, यानी कि आपका वॉलेट, मेरा वॉलेट या किसी और का वॉलेट जिसके अंदर 10,000 से कम बिटकॉइन है, वो सारे वॉलेट की मैं अभी बात कर रहा हूँ। एक कैटेगरी ये है, दूसरी कैटेगरी आपकी कौन सी है, जिनके अंदर 10,000 से ज़्यादा बिटकॉइन है, ठीक है, सिंपल है, समझ गए। अब मार्केट में जो ये मार्केट हल्की हल्की नीचे आ रही है ना, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ भाई। रीज़न ये है कि वो वाली कैटेगरी जिसके अंदर बिटकॉइन 10,000 से कम है, वो अपनी मार्केट में अब सेलिंग करने लग गए हैं। आपके सामने डेटा है, आप देख लो, ये जो आपको नीचे ग्राफ जाता हुआ दिख रहा है ना यहाँ, ये वो वॉलेट हैं जिनके अंदर 10,000 से कम बिटकॉइन पड़े हुए हैं और अब बिकवाली उनकी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब दूसरी तरफ देखें मेरे भाई, वो वॉलेट जिनके अंदर 10,000, माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, 10,000, हाँ 10,000, अच्छा वो वॉलेट जिनके अंदर 1,000 बिटकॉइन से ज़्यादा हैं, उन्होंने अपनी अभी बाइंग स्टार्ट नहीं करी है, समझ गए आप, बिल्कुल क्लियर है ना। कहने का अर्थ ये है कि जो वेल है ना, वो अभी बाइंग स्टार्ट नहीं कर रहे बिटकॉइन की। ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा निकाल के लाया हूँ, ऐसा नहीं है कि कल मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ आज कुछ और है, नहीं, आज का डेटा ये है कि अभी ना इनकी तरफ से कोई बाइंग नहीं करी जा रही है। जो अपने छोटे छोटे लोग हैं ना, वो अपना सेलिंग करना यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है, मतलब मैं आपको समझा दूँ आगे, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट क्या है भाई, भाई नेक्स्ट अपडेट आपकी जैक की तरफ से है। जैक कौन है मैं आपको बता दूं भाई, ये XCEO हैं किसके, ट्विटर के, ट्विटर इन्होंने फाउंड करा था, बेसिकली CEO थे बेसिकली ट्विटर के, मैं आपको बता दूं, सिंपल ही है, ठीक है। आपने इनका नाम सुना भी होगा, फिलहाल ये कहां पर है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इनकी तरफ से एक अपडेट निकल के आई है और इन्होंने सवाल पूछा है टिम कुक से। टिम कुक मैं आपको बता दूं एप्पल के करंट CEO हैं, तो इनसे सवाल पूछा है कि जो एप्पल पे है वो कब सपोर्ट करेगा बिटकॉइन को, समझ रहे हो, मतलब गेम समझ रहे हो आप कितना ऊपर का चल रहा है अभी बिटकॉइन को लेकर, कितनी पॉजिटिवनेस बनाई जा रही है मार्केट में, ये बात आप समझो, थोड़ा थोड़ा समझने लग जाओगे आप, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट क्या है मेरे भाई, ये बंदा जब भी बिटकॉइन बाय कर ले भाई, मार्केट आपकी गिरेगी, आपको लाइव दिखा दूंगा मैं, मार्केट अभी थोड़ी देर पहले गिरी थी जब ये न्यूज़ निकल के आई थी, ठीक है। तो माइक्रो स्ट्रेटेजी के माइकल सेलर, आप सभी जानते होंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हो, तो 12,333 बिटकॉइन और इन्होंने बाय कर लिए भाई। इस बंदे के पास इतने बिटकॉइन है, देखो यहां पर लिखा हुआ है लगभग 1,52,333 भाई, 1.5 लाख से ज्यादा बिटकॉइन बाय करके बैठा हुआ ये, और हमारे पास कितने हैं कमेंट बॉक्स में बताना, हमारे पास कितने हैं बाकी आप समझदार हो, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट क्या भाई, आपके भाई की जो टीम है CoinDCX के ऊपर लगातार
रोला काट रही है, लगातार ऊपर जा रही है। और आप देख लो भाई, नंबर वन पर अभी भी हम छाए हुए हैं। राजस्थान टीम एक रिकॉर्ड हम सेट करने जा रहे हैं कि 20 मिलियन की वॉल्यूम हम जनरेट करने वाले हैं कॉइन D6 के ऊपर, कर चुके हैं ऑलरेडी। तो भाई राजस्थान की जो टीम है टॉप 10 टीम में से आपके भाई की राजस्थान टीम है, जिसका आपका भाई कैप्टन है और भैया लीड पे कर रहे हैं, सबसे ऊपर चल रहे हैं मैंने भाई। तो क्रिप्टो करेंसी वाले जिंदाबाद है, जिंदाबाद थे और जिंदाबाद रहेंगे। आपके सामने थोड़ा सा एक हल्की सी झलक है। अच्छा, जो लोग मेरी टीम में नहीं आए, आपको क्या करना है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लेना, उसमें एक लिंक पड़ा हुआ है, लिंक पे जाके भैया अकाउंट क्रिएट कर लेना। क्रिएट करने के बाद साइनअप कर लेना, साइनअप के बाद KYC कर लेना, डिपॉजिट कर देना और भैया अपने भाई की टीम को ज्वाइन कर लेना। बिल्कुल रटा पड़ा है मेरे भाई, सपनों में भी कह सकता हूँ मैं बात, ये समझ गए आप, बाकी ठीक है। अब बिटकॉइन की बात करते हैं, भैया बिटकॉइन में हो क्या रहा है। देखो भाई, बिटकॉइन अभी आपके सामने रख देता हूँ, करंटली बिटकॉइन एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर है, ठीक है। और इस पैटर्न के हिसाब से अगर हमारा 30,000 का लेवल नीचे की साइड टूटता है, होल्ड होता है 4 घंटे की या 1 घंटे की कैंडल, तो भैया हमारा टारगेट यहाँ पर 26,800 का होगा, ठीक है, ये बात समझ लेना आप, इतने का टारगेट हमारा यहाँ पर होगा। अभी फिलहाल ये जो हमारी नेक लाइन है ये हमारा सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है, तीसरी बार यहाँ पर सपोर्ट दे रही है। अक्सर क्या होता है, तीसरी बार में एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलकर ऊपर चली जाती है मार्केट, तो वेट करो 30,000 से या तो नीचे आने दो, या भैया एक इंतज़ार कर लो कि एक बार कम से कम 31,000 के ऊपर आके सपोर्ट क्रिएट करने दो। अब भागना मत, दौड़ना मत, जो मैंने आपको बता दिया उसको आप सुन लेना, ठीक है। अब ऑल्ट कॉइंस की मैं दिखा देता हूँ आपको मार्केट कैप। ऑल्ट कॉइंस मार्केट कैप हम यहाँ पर सर्च करते हैं। तब तक आप एक काम करो, वीडियो को लाइक कर दो, नहीं करा दो, ठीक है, क्यों, मोटिवेशन मिलती है भाई इसलिए, ठीक है। ऑल्ट कॉइंस की मार्केट कैप, ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप डोमिनेंस मैं आपको दिखा देता हूँ, मार्केट कैप डोमिनेंस, ठीक है, USDT की है, आई थिंक टोटल 2 के नाम से होती है मार्केट में, ठीक है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखो ऐसा है ना कि मार्केट में ना आपको पता रहना चाहिए कि भैया किस चीज़ को आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ये आगे हमारा मार्केट कैप टोटल 2 के नाम से है, ठीक है। टोटल 2 का मैंने आपको क्या बताया था, मैं आपको बताया था कि भैया $500 बिलियन के ऊपर बैठी हुई है, और अभी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, पुराना ही है ये, देखो यहाँ से मैंने बोला था कि यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन एक रेजिस्टेंस है, वो कितना है, 560 बिलियन का। अगर ये टूट जाता है तो हमारा 600 बिलियन तक मार्केट जा सकती है मार्केट कैप, और इस दौरान हमारे ऑल्टकॉइंस में आपको पंप मिलेगा। लेकिन पहले बिटकॉइन के ऊपर नजर रखना, फिर इस मार्केट कैप के ऊपर आना, ठीक है। अभी हम रेजिस्टेंस को फेस कर रहे हैं, यहाँ से भी हम नीचे आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है। हालांकि हम यहाँ पर डबल बॉटम टाइप पैटर्न फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं आके नीचे की साइड, थोड़ा सा संभल के रहना, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ कि उम्मीद कर रहा हूँ कि भैया आपको वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल के साथ नहीं जुड़े तो भैया जुड़ जाना। क्रिप्टो करेंसी जिंदाबाद, क्रिप्टो मार्केट जिंदाबाद, क्रिप्टो इन्वेस्टर जिंदाबाद। कॉइन D6 के ऊपर आना है, मेरी टीम ज्वाइन करनी है, फ्यूचर ट्रेडिंग भी अवेलेबल है, और USDT भी काफ़ी चीप रेट में आपको D6 के ऊपर मिलने लग गए। थैंक यू सो मच।